सोचिए आप दुनिया के किसी आइकॉनिक प्लेस पर गए जिसका इंतजार आपने सालों से किया हो, अपने परिवार, दोस्तों या अकेले, जिसके लिए आप लाखों का कैमरा लेकर उस जगह पर जाएं ये सोचते हुए कि आप अपने कुछ लम्हों को कैमरे के जरिए कैद कर सके, लेकिन वहां पहुंचकर आपको पता चले कि उस जगह पर कैमरा ले जाना सख्त मना है, तब क्या होगा? जो होगा वो आपके साथ ना हो, यही बताने के लिए आज हम इस वीडियो में उन खास जगहों की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे आइकॉनिक जगहों में आते हैं, मगर वहाँ कैमरा ले जाना सख्त मना है। दुनिया भर में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसमें कुछ ऐसे फेमस डेस्टिनेशन भी शामिल हैं जिसकी खूबसूरती को आप जी भर निहार तो सकते हैं लेकिन उसे अपने कैमरे में कैद नहीं कर सकते। लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है इजिप्ट का वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स उस जगह को कहा जाता है जहां इजिप्ट में 11 से 16 सेंचुरी बीसी के बीच हुए राजाओं की मम्मी को दफनाया गया है। ये जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन आप यहां बिना परमिट के फोटो नहीं ले सकते, यहां तक कि परमिट मिलने के बाद भी आप फ्लैशलाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात का प्रेसिडेंशियल पैलेस। इस जगह पर सुरक्षा कारणों से तस्वीर लेना या वीडियोग्राफी करना मना है। आप यहां सिक्योरिटी स्टाफ या सिक्योरिटी सिस्टम की तस्वीर नहीं ले सकते। आप यहां किसी भी व्यक्ति की फोटो बिना उसके अनुमति के नहीं ले सकते। अब यदि आप मीडिया रिलेटेड फोटो या वीडियो लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले यहां के ऑफिशियल से अनुमति लेनी होती है। तीसरे नंबर पर है वेटिकन सिटी का सिस्टाइन चैपल। यह जगह इटली के सबसे बड़े खजाने में से एक है। यहाँ नए पोप को चुना जाता है। यह एक पुराना चर्च है जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। यहाँ मौजूद द लास्ट जजमेंट और द क्रिएशन ऑफ एडम की पेंटिंग अट्रैक्शन पॉइंट है, लेकिन यहाँ आप फोटो या वीडियो नहीं बना सकते हैं। साथ ही इसके अंदर शोर आवाज करना मना है। चौथे नंबर पर है पेरिस का एफिल टावर। एफिल टावर सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए हर साल यहां लाखों टूरिस्ट पहुंचते हैं। इसकी गिनती सबसे ज्यादा क्लिक किए गए टूरिस्ट प्लेस में से होती है, लेकिन फिर भी कॉपीराइट इशू के कारण शाम के समय लाइट में जगमगाते एफिल टावर की तस्वीर लेना सख्त मना है। इसके लिए आपको लिखित परमिट की जरूरत होती है। पांचवें नंबर पर है भारत का ताजमहल। सिंबल ऑफ लव माने जाने वाले भारत की ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल को देखने हर साल दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहां जाने के लिए कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिनमें से एक है तस्वीर ना लेना और जब आप मकबरे के अंदर हो तो सेल फोन बंद रखना। हालांकि आप बाहर से तस्वीरें और सेल्फी ले सकते हैं। छठे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया से कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन। उत्तर कोरिया की गोपनीय दुनिया में कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन में मकबरे के अंदर तस्वीरें लेना सख्त मना है, जहां बताया जाता है कि वहां के सुप्रीम लीडर किम इल सुंग और किम जोंग इल के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। सातवें नंबर पर है इंग्लैंड का वेस्टमिंस्टर एबी। ब्रिटिश इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वेस्टमिंस्टर एबी केवल अपने बाहरी हिस्से से फोटोग्राफी करने की अनुमति देता है। परिसर के अंदर तस्वीरें लेने पर प्रतिबंध का उद्देश्य पवित्र माहौल को बनाए रखना है, जबकि पेशेवर तस्वीरें चर्च की वेबसाइट से डाउनलोड करके ली जा सकती है। आठवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया का उलुरू काटा तजूता नेशनल पार्क। उलुरू काटा तजूता नेशनल पार्क में स्थित आयर्स रॉक वहाँ की स्थानीय आदिवासी आबादी के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है। कुछ पवित्र स्थलों, समारोह और वस्तुओं की फोटोग्राफी करना यहाँ सख्त मना है। यहाँ तक कि पेशेवर फोटोग्राफरों को भी पार्क में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। नौवें नंबर पर आता है टेक्सास का अलामो। ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके परिसर के भीतर फोटोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ आने वालों को भी जगह का सम्मान करने और आराम से बोलने और प्रवेश करने पर अपनी टोपी उतारने का रिवाज है। ऐसी तमाम जरूरी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए वन मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ वन मिनट में।